हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आंवले का मुरब्बा कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवले आप बढ़िया फ्रेश वाले किसी भी फार्म से लेके आ जाइए, खूब सारे आंवले आपके पास होने चाहिए। मैंने लगभग 100 रुपए का 1.5 किलो आंवला खरीदा है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोक लीजिए घर में। फोक लेने के बाद में आपको इसको इस तरीके से बढ़िया पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसमें इस तरीके से अपना हाथ बचाते हुए, हाथ में मत डाल लीजिएगा नहीं तो वाट लग जाएगी आपकी, तो इसमें बढ़िया आप इस तरीके से पूरा का पूरा इसको अंदर डालते जाइए। इसको अपन पिक करना बोलते हैं, तो जब तक आप इसको पिक नहीं करोगे तब तक इसका जूस ना बाहर आएगा ना जो मुरब्बा बना रहे हैं शक्कर से उसका जूस अंदर जाएगा। पूरे आंवले को अपन इसी तरीके से पिक करेंगे। तो आंवला को अपन ने धो लिया, धोने के बाद में आप इन आंवलों को बढ़िया पानी में डुबा लेना है और इसको फुल फ्लेम में कम से कम 5 से 10 मिनट इसको उबालना है ताकि ये बढ़िया सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए आंवले में आ गया है उबाल और अब हम इसको कम से कम 2 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि अच्छे से ये उबल जाए। देखिए उबलने के बाद अब ये जो आपके आंवले हैं वो थोड़े से नरम अपने आप दिख रहे हैं। अपन इसके पानी को अपन थ्रो आउट कर देंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे इसकी चाशनी। ओके, तो अब अपना फाइनल स्टेप ये है कि हमको लेना है 2.25 किलो शक्कर। 2.25 किलो इसलिए क्योंकि हमारे पास में 1.5 किलो आंवला है। तो इस प्रोसेस में आप चाहे किसी भी चीज को पहले डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके आंवले टूट भी सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ आंवले जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपन इसमें डाल रहे हैं शक्कर, पूरे 2.25 किलो शक्कर को 1.5 किलो आंवला अपने को डालना है। इसको अपने को क्या कर लेना है, मिक्स। अब शक्कर जो है बढ़िया घुलना चालू शुरू हो गई है और ये घुलते जाएगी और उसके बाद में फिर ये थिक हो जाएगी और जो आंवले का जूस है वो जैसे ही बाहर आना शुरू होगा तो आपका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। इसको कम से कम को आधा घंटा से 1.25 घंटा कुक करना है ताकि पूरा जो इसका प्रोसेस है कम्प्लीट हो जाए। मैंने इसको रात भर ना छोड़ दिया था ताकि ना सुबह सुबह इसको बढ़िया 1 घंटे तक पकाए, बन के मस्त रेडी हो गया। तो लुक एट दिस, कंसिस्टेंसी जो है चाशनी की वो बिल्कुल शहद के जैसी होनी चाहिए और दिख भी रहा है शहद जैसा। तो अभी ये एक्सट्रीमली हॉट है, बस इसको सर्व करना है और खाना है। तो ये जो मेरा मुरब्बा है तैयार हो गया है ना बेटी, खोलो। बहुत टाइट लगा है, खुल गया। लुक एट दिस, तो चलो इसीलिए अब मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो। बाय बेटी, बाय।